हमारे लिए क्या कर रही है हमें जानकारी नहीं होगी तो कुछ नहीं बदलेगा। योजनाएं तो निकाल देती है लेकिन ग्राउंड तक योजना नहीं पहुंचती है, और ग्राउंड तक ना पहुंचने का कारण ये है कि पब्लिक को पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमको हमारी सरकार क्या क्या दे रही है, अल्पसंख्यकों को क्या मिलना चाहिए। तो उसके लिए आज अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, यानी कि जागरूकता शिविर लगाया है, और एक जनता को बताया है कि इस सरकार ने इस वक्त में ये योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए ये चलाई हैं। तो अगर उनको पता होगा तो अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। आजकल देखिए नौकरियाँ भी पसंद जाती है, अभी देखिए गवर्नमेंट भी अब जो आंदोलन जो छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं उस पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। कोई छोटा मोटा सिलाई कढ़ाई का होगा, बिजनेसिंग का हो गया, टेलरिंग का हो गया, इस तरह का जो काम करना चाहता है खास करके महिलाएं और जो हमारे नौजवान भाई उन लोगों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 से देखिए 5,00,000 तक का लोन अल्पसंख्यक समुदाय है इस तक भी योजनाएं पहुंचे, ये भी कहीं ना कहीं मेन उस पर आए, इनके भी बच्चे एजुकेशन में ऊपर के स्तर पर जाए। चंद लोग ही अल्पसंख्यकों में आगे बढ़े हैं, बाकी लोग पीछे जाते रहे क्योंकि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। सरकारों ने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती रही। अगर बच्चा पढ़ जाता है, समझ जाता है तो नेता से सवाल जवाब कर सकता है। ये तो चाहते ही नहीं थे कि आने वाली पीढ़ी इतनी विकसित हो, इतनी पढ़ी लिखी हो कि हमसे पूछ सके कि आपने 5 साल में क्या किया है, कि कम से कम सब इतने पढ़ लिख कर जागरूक हो जाएं कि अपनी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने मुख्यमंत्री से सवाल जवाब कर सकें। ये जागरूकता उस आवाम के लिए है कि हमने फंड सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि ये सिर्फ ये हो जाए कि टीवी में चल जाए कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए किया है। हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक इसका फ़ायदा उठाएँ, इससे आगे बढ़ेंगे।